नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे सुनाइए। भोले बाबा मान जाते हैं तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर बैठते हैं कल्पतरु वृक्ष के नीचे। अब कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाई। पहली ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। देखिए सत्संग में ताली का बहुत महत्व है, इसीलिए आप कोई भी सत्संग में जाइए, कथा है, कीर्तन है, आपको बार बार ताली बजाने को कहा जाता है, जोर दिया जाता है। अब कई बार लोग होते हैं जो झुंझला उठते हैं कि क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं। ताली आपको भगवान के और करीब लेकर आती है। देखिए कई चीजें हैं जिससे ताली से आपको फायदा होता है। सबसे पहली चीज है अहंकार खत्म होता है, वरना आप कई बार देखेंगे जब कथाएं होती है, कई बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, बड़े पद के होते हैं, कोई तंत्री मंत्री है, कोई सेठ है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, तो बड़े पद के लोग आते हैं, उनमें से कई होंगे जो आकर एकदम हाथ बांध के बैठते हैं, ताली नहीं बजाते हैं। कितना भी कह लो इनको जल्दी से ताली, इसी व्यक्ति को अपने घर पे अपने पोता पोती के सामने उसको हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कथा या कीर्तन में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और अगर वो ज्यादा ही फोर्स कर दे इनको ताली बजाने के लिए, तो इनका अपना एक तरीका है ताली बजाने का। कैसे ताली बजाते हैं? इससे अच्छा तो ना बजाओ। तो ये क्या है? अहंकार। कि यहां आने के बाद भी व्यक्ति ये सोच रहा है मैं कौन हूं। तो ताली आपको इस अहंकार से दूर करती है और भगवान की ओर करीब लाती है। दूसरा फायदा क्या है ताली का? भगवान के करीब लाने में दूसरा फायदा है कि जब कथा चलती है ना, तो काफी देर तक आपको बातें सुननी है, ज्ञान है, तो व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर में आलस आई जाते, एक दो झपकी लगी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब बीच में भजन आए तो इतने अच्छे से ताली बजाओ कि आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो और जो आपको काफी देर तक आलस से दूर रखे। तो आलस से भी भगाती है ताली। तीसरा है, अब कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी ले, सौंफ ले, पानी ले, कहां से आए, इनकी अपनी कथा चल रही है। तो ये कब होता है? जब आप भी खाली बैठे इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान नहीं है, लेकिन जब आप भगवान में मग्न है, कथा में मग्न है, ताली बजा रहे हैं, भक्ति में मग्न है, तो ये आपको परेशान, फिर ये अपने जैसा कोई और देखते हैं, देखेंगे, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते इस चीज के बिना। कई ऐसे लोग हैं कथा में आते हैं पर कथा की बातों पर ध्यान नहीं जाता इनका।